हे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सब डिटेल्स देने वाला हूँ सेंसिटिविटी के बारे में। ये वर्क कैसे करता है और आपके लिए बेस्ट कौन सी सेंसिटिविटी होगी मेरी जान। कुछ सीक्रेट सेटिंग्स भी आपको बताऊंगा जिससे आपका स्प्रे यार बहुत कमाल होगा। इस वीडियो में आपको अपनी सेंसिटिविटी का कोड भी दूंगा। ये सेंसिटिविटी नॉन गायरो गायरो दोनों के लिए ही है, इसलिए वीडियो को मेरी जान एंड तक देखना। वेल स्प्रे आपका बस सेंसिटिविटी अच्छा करने से सही नहीं होगा, ये सेटिंग्स अटैचमेंट्स और स्कोप पे भी डिपेंड करता है। सेटिंग में आगे बताऊंगा वीडियो में, पहले आपको देखना है कि कौन सी ग्रिप आपके लिए सही है। ये प्लेयर टू प्लेयर मेरी जान डिफर करता है। वर्टिकल फोर ग्रिप आपका वर्टिकल रिकॉयल काम करता है, मतलब कि जो ऊपर की ओर जाता है स्प्रे, मोस्टली प्लेयर को इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वर्टिकल रिकॉयल कंट्रोल करना इजी होता है। दिक्कत तो भैया हॉरिजॉन्टल रिकॉयल में होती है। हॉरिजॉन्टल रिकॉयल कंट्रोल इजी करने के लिए आप हाफ ग्रिप या एंगल फोर ग्रिप का यूज कीजिए। ट्रेनिंग ग्राउंड में देखिए आपके लिए हाफ ग्रिप अच्छी है या एंगल फोर ग्रिप। आपको सेटिंग्स बोलता हूँ, सेटिंग में जाइए और आपको पहले ही मिलेगा डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन, इसको हमेशा ऑन करके रखिए। अब वो क्यों बताता हूँ। पहले मैं इसको डिफर करता हूँ। अब जो आपका राइट साइड वाला फायर बटन है वो थोड़ी सी स्क्रीन हिलने से आपके एम को खराब कर सकता है और कभी कभी स्प्रे का टाइम भी बंदे से हट जाता होगा, इसलिए लेफ्ट साइड बटन को ऑन कीजिए और सेटिंग में राइट साइड वाले बटन को हाइड और डिसेबल कर दो। अब अगर आप चेक करेंगे तो आपकी स्क्रीन नहीं हिलेगी फायर बटन के पास। सेम प्रॉब्लम अगर स्कोप या पीक में आती है तो कैमरा रोटेशन वाइल एड्स को इनेबल करो और कैमरा रोटेशन वाइल लर्निंग को भी इनेबल करो, ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। एक और सेटिंग है जो मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा। अब मैं आपको एडीएस या नॉन गायरो में स्प्रे दिखाता हूँ। मेरे एडीएस वाले स्प्रे में ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी क्योंकि मैं गायरो खेलता हूँ। अगर आप रेड डॉट की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि वर्टिकल रिकॉयल ना के बराबर है, बस एक्यूरेसी थोड़ी कम है, उसके बावजूद स्प्रे एकदम जहर है बॉस। सेम 3x में बहुत सही स्प्रे जा रहा है, बस लेयर को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और तो हम इसको मास्टर कर लोगे, यकीन मानो मेरी बात का। फोर एक्स भी इस सेंसिटिविटी में बहुत अच्छा चलता है। सिक्स एक्स की बात करें तो यार काफी मस्त है, बस मैं एड्स नहीं खेलता हूँ इसलिए एक्यूरेसी नहीं है। एक और बात, अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्कोप में प्रॉब्लम है तो बस उसकी सेंसिटिविटी कॉपी करो, देखो सारी मत करो। अब अगर आपको सारी ही कॉपी करनी है तो पहले अपने सेंसिटिविटी कोड का बैकअप ले लो इनकेस सेंसिटिविटी पसंद ना आए। अब मैं आपको गायरो का स्प्रे दिखाता हूँ। रेड डॉट देखो, एड्स देखो कैसे कनेक्ट हो रही है। थोड़ा बर्स्ट में भी देखो, थ्री एक्स का बर्स्ट देखो, डीपी से कोई भी बर्स्ट देता है लेकिन ये M4 का बर्स्ट देखो, जहर बॉस पूरा स्प्रे देखो।
4X में तो यार और भी अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप सब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसे 100 गुना अच्छा स्प्रे मार पाओगे। एक बार ये 6X का स्प्रे देखो यार, हेडशॉट देखो क्या मस्त लग रहा है बड़ू, बर्स्ट में भी और स्प्रे में भी, हाय हाय हाय। अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँ ना तो एक्यूरेसी बस इंक्रीज होगी। अभी थोड़ा AKM का बर्स्ट और स्प्रे ट्राई करते हैं अलग अलग स्कोप से। एक टाइम देता हूँ, देखो जब भी प्रैक्टिस करो ना तब आप अटैचमेंट्स और ग्रिप के बगैर ट्रेनिंग किया करो, फिर जब आप क्लासिक में अटैचमेंट्स और ग्रिप्स के साथ खेलोगे तब अपने ही स्प्रे से शॉक हो जाओगे। अभी मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्वैप एक्सेलरेशन के बारे में बताता हूँ। पहले इसको डिसेबल करता हूँ, इससे एक्चुअली आपकी स्क्रीन सेंसिटिव बन जाती है। अभी डिसेबल किया है तो देखो यार स्क्रीन कितनी कम मूव हो रही है। अब मैं इसको इनेबल करता हूँ तो मूवमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। अब आप इसको इनेबल और डिसेबल दोनों करके ट्राई करो, फिर देखो इनेबल करके अच्छा या डिसेबल करके। अब आप मेरी सेंसिटिविटी देखो, अगर पर्टिकुलर स्कोप की चाहिए ना तो वो ही कॉपी करो, बाकी कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें एक और चीज है, जो आप ये सेपरेट सेटिंग देख रहे हो ना इसका मतलब है जब आप फायर करेंगे तो सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अपने स्क्वाड के संग भाई शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी स्प्रे में इम्प्रूव करें और आपके स्क्वाड अनबीटेबल बने। अगर किसी और टॉपिक पे ऐसे अचीवमेंट अनलॉक या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलता हूं मेरी जान अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।